हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई मसाले का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। देखिए कि आलू गल गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बार बार बनाएंगे। ये बिल्कुल ढाबे वाले स्टाइल का मैंने बनाया है और बिल्कुल सिंपल। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये देखिए, मैंने आलूओं को ऐसे कट कर लिए इतने बड़े टुकड़ों में, और बैंगन इसे मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि आलू काले ना हो। और ये मैंने लिया है 3 प्याज, जिसे मैंने छील करके बारीक कट कर लिया है। ये मैंने 3 टमाटर लिया है, 1 पोटी लहसुन की, और ये अदरक इतना बड़ा टुकड़ा, और ये मैंने 5 सूखी लाल मिर्च ली है, मेथी दाना लिया है, हींग, और ये मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तेल गरम हो गया है, मैंने 1 कटोरी तेल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना और हींग। मेथी दाना हींग हमें ज़रूरी है डालना बैंगन में, क्योंकि बैंगन जो है बादी होता है, इसलिए हम इसमें हींग और मेथी दाना से ही बघारेंगे। और ये मैंने 1 चम्मच लिया है जीरा खड़ा। इसे हम हल्का सा चटकने देंगे, जीरे चटकने लगे। देखिए हम इसमें लाल खड़ी मिर्च डालेंगे और इसमें डाल देंगे ये प्याज। और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। इसमें डालेंगे और आलू, और अब हम इसमें ये हल्दी ऐड कर देंगे और नमक, और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। सबसे मेन सब्जियों में होता है इसे फ्राई करना। हम जिसमें इसे फ्राई करेंगे तेल में, ये उतनी ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है 2-3 मिनट, ताकि आलू और बैंगन अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छे से तल गया है और बैंगन ये तेल दिखने लगा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पीस लिया था, और अब हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च, देखिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 कप के बराबर, ताकि जो मसाला है जले ना, और इसे ढक करके हम 2-3 मिनट के लिए मसाला को इसी में आलू बैंगन में भूंजेंगे अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से भूंज गया है, तेल नज़र आने लगा है। इसमें हमने बिल्कुल भी गरम मसाला नहीं डाला है। अब हम इसे तेज करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फिर इसमें हल्का सा हम तरी करेंगे। अगर आपको नहीं करना आप ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पानी ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ हल्का सा डालूंगी ग्रेवी के लिए। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हम जो पूड़ी चावल जिसमें भी खाना चाहें इसे खा सकते हैं।
देखिए इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट तक ढक करके हम पकाएंगे। सब्जी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू बैंगन की तरी वाली सब्जी रेडी है, जो कि बिल्कुल इसमें गरम मसाला का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिए और वीडियो को मेरे शेयर करिए।